अब अदानी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, एयरपोर्ट खरीदेगा, रेलवे स्टेशन खरीदेगा। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसे के पीछे मत भागो। ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि जब तक मूर्खों के पास पैसा है अब तक समझदारों को कमाने की कोई जरूरत है नहीं। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने आ रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। जय हिंद फ्रेंड्स। इसलिए तुम चिंता मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो है वो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने बुलेट उठा ली दोनों हाथ से। कानपुर के सबसे रईस लड़की तुम्हारे बगल से गुजर रही, उसने देखा, बोले अरे ड्राइवर गाड़ी रोको जरा। बुलेट कौन उठाता है दोनों हाथ से यार? तुम सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो। तुम भी स्त्रियां, सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो, पैसे पे तो ध्यान ही, बाई प्रोडक्ट खुद ही आएगा। खुद सर, जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान है उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह, हार्ट अटैक का, रेनल डिसऑर्डर। सिपोटी रुकी नहीं रही थी, रेनल डिसऑर्डर दुनिया की सबसे गंदी बीमारी। सोचो क्या कंडीशन रही होगी, शरीर से मल बहा जा रहा, रुक ही नहीं रहा। 40,000 करोड़ नहीं, डिफिशियंसी है ना। जैसे मैं देखता हूं कुछ लोगों को पागलपन है, पागलपन की तरह काम करते हैं, ना शरीर पे ध्यान देंगे ना खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। इलाहाबाद में योगा शिविर लगवा रहे हैं 4 से 8 नवंबर, स्वामी करमवीर को बुलाया है एपी ग्राउंड में। 70 साल के युवा, उनकी फोटो देखो तुम, चमकता हुआ चेहरा, 70 साल उम्र है, 40 किलोमीटर भागते हैं आज। शक्ति पर ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, तुम मत टेंशन लो। तुम घड़ी नहीं पहने हो 2 करोड़ की, तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे साथ 2 आदमी हैं टाइम बताने वाले, उनसे पूछ लो। हाँ, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि तुमने फोन कर दिया, तुम्हें गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना है, 4 गाड़ियां चाहिए, तुमने फोन कर दिया किसी को, जयसवाल जाओ, हाँ साहब 4 गाड़ी लिया ना सुबह, जी भैया गाड़ी, तुम बाय खरीद रहे हो, उसका मेंटेनेंस, उसका साफ सफाई, उसका टायर, उसका ऑयल, सब चिंता तुम्हारी। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक मूर्खों के पास पैसा है अब तक समझदारों को कमाने की कोई जरूरत है नहीं। सिद्धांत है ये। अब अदानी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। एयरपोर्ट खरीदेगा, रेलवे स्टेशन खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा। और राजा भैया के पास पैसा आएगा, लेक्सस खरीदेगा, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो
रेंज रोवर खरीदेंगे, लेक्सस खरीदेंगे, रॉल्स रॉयस तो चल नहीं पाएगी लखनऊ बरेली सड़कों, कैडलिक वैडलिक लंबोर्गिनी लंबोर्गिनी कहां चलेगी, ये सब तो नहीं लेंगे, वो लैंड क्रूजर ले लेंगे, लैंड क्रूजर ले लेंगे, ग्लॉस्टर भी ठीक है, लैंड क्रूजर V8 तो जबरदस्त गाड़ी चढ़ा दो पहाड़ पे, एवरेस्ट पे जाके ऊपर खड़ी हो जाती, 300-400 नीचे तो भागती ही नहीं। तुम चले नोएडा से, तुम्हारी जब आंख खुली कहां है भैया, हजरतगंज लखनऊ। जब तुम्हारा किस चीजों से काम चले, तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मत लो। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में, दुनिया को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, एक चैतन्य और एक जड़। चैतन्य, चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और दूसरा जड़। जैसे कुर्सी है ना, ये जड़ है और तुम कॉन्शियस हो। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। अब इस चैतन्य को आनंद जब भी आएगा तो चैतन्य से ही आएगा, जड़ से कभी नहीं आएगा। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी, कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर देखो, रील बनाने वाले देखो, कुछ भी बना रहे, कुछ भी। इसके चक्कर में तुम मत रहो। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन को पाप माना जाता है, वैश्यावृत्ति को, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। विवाह में चेतना भी साथ में आती है, वो पत्नी। इसीलिए वैश्यावृत्ति को पाप माना जाता है, क्योंकि जड़ को तुम कभी भोग ही नहीं सकते। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। तो विद्यार्थी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, तुम जितनी चीजों की जरूरत हो बस उतना ही लो। अगर तुम्हारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंदर में है तो तुम साइकिल से आओ यार। 3 क्या 5 किलोमीटर भी है तो भी तुम साइकिल से आओ, चाहे तुम जिसके भी लड़के हो। तो 10 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हो जाएगी कि नहीं, तुम्हें अलग से एक्सरसाइज करने जाने की जरूरत ही नहीं है। और 3 किलोमीटर में है तो पैदल आओ, इधर उधर लिए पैदल लेके चले आ रहे, 6 किलोमीटर की वॉक हो गई। अलग से जिम वुम जाने की जरूरत ही नहीं, 1,000 सी। कितने लड़के फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, सुबह शाम ढोल के रहे, क्रीम लगा रहे हैं बढ़िया वाली, एक्स एक्स का डीओ लगा के बाहर निकल रहे, इसे इसे करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है, तुम ब्लैक आदमियों के साथ व्हाइट औरतें देखोगे, लेकिन व्हाइट औरतों के साथ, व्हाइट आदमियों के साथ ब्लैक औरत नहीं देखोगे।
ताकत, यहां ताकत का सिद्धांत काम करता है इस दुनिया में। यहां बहुत लोग हिंदुस्तान में मैं देखता हूं गोरा होना चाहते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनके भाई को मैं पैसा देना गया, पैसा 5,000 रुपया, तो बेचारे शहद वहद लगाए थे, मैं दिया नहीं पैसा। मैंने पूछा ये क्यों लगाया हो, बोले भैया इससे रोशनी आती है, इसमें शहद लगा हुआ है, रोशनी शक्ति से आती है। इसीलिए भगवान को जब दिखाया जाता है तो पीछे रोशनी दिखाई जाती है। आजकल के युवाओं को अजीब सा, चलो लड़कियां हैं उनकी जरूरतें हैं, वो कर रही हैं वो अलग बात, लड़के बाल में स्पा करा रहे, 2500 रुपए में स्पा हो रहा है, बाल स्ट्रेट करा रहे। राक्षस बन के जाओगे ठीक है, बाल बाल खड़ा कराओगे, जान है नहीं शरीर में, 35 किलो की शरीर ऐसे लिए चल रहे, मार दो एक हाथ कस के लेट गए खत्म। आज का आदमी सबसे ज्यादा बाह्य सौंदर्य पे ध्यान दे रहा है, आंतरिक ताकत पे ध्यान नहीं दे रहा है। और तुमको ताकत ही काम आएगी, नहीं मान लो तुम डीएम हो गए, किसी औकात से तुमको आके कहते कि यार तुम्हारा रंग काला है, तुम लिटा के 4-5 गोली दाग दी उसके मुंह में। तो जिस चीज की कोई उपयोगिता नहीं है उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, साफ सुथरा रहो। इसका मतलब ये नहीं 20 दिन नहीं नहाए, क्लास में आगे बगल वाला बेहोश हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा रहो। साफ सुथरा रहो, वो करा लिया करो बढ़िया, सुबह सुबह तुम लोग टाइट रहा करो, चश्मा उसमें लाके क्लास में आकर लगा कर, यंग लड़के बैठे हुए, कुछ लोग तो ऐसे लड़के क्लास में आके बैठे हुए तुमको देख के लगता है कि कब छूटे। नहीं नहीं, निराशा में बैठे इसे देख रहे, लड़ाई की तैयारी करो। जीवन संघर्ष के सिवा कुछ है ही नहीं, और संघर्ष का मजा लेना शुरू करो। तुमको जो बताया गया है कि वैभव शांति गाड़ी खरीद लोगे पैसा कमा लो फिर कुछ नहीं करना है, जीवन भर करना है, जिस दिन करना बंद कर दोगे मर जाओगे। पढ़ो इसलिए क्योंकि जागना है, और खूब पढ़ो, ये मन से निकाल दो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस तो तुम बन ही जाओगे, आईएएस तो बनना ही है, क्यों नहीं बनोगे यार, मेहनत करोगे क्यों नहीं बनोगे, और नहीं बनोगे तो नेता बन जाओगे, इतना पढ़ लोगे भाषण देना जाके, इतना बोल दो संविधान के ऊपर कि 2-3 लोग बेहोश हो जाएंगे, अरे भैया बस। तुम्हारी अज्ञानता ही तो तुम्हारा डर का कारण है। इस दुनिया में जो शाही वर्ग है वो इंटरेस्ट के लिए लड़ता है, और मूर्ख